नहीं जाएंगे ना, दो मांगे नहीं थी, जेल भेजने की मांग थी, वो जो मर्जी कह दे उसको मान लोगे आप? लेकिन अरे ये तो झूठों की पार्टी है, अरे भाई ये तो झूठों की पार्टी है, कदम कदम पे झूठ बोलते हैं। संस्कारी पार्टी सर, वो कैसे संस्कारी पार्टी मान लोगे? हाँ। कितना झूठ बोला देश के साथ भाजपा में, यही तो लुटेरे सबसे बड़ा, राम रहीम कौन था, आसाराम कौन था, ये साधु संत के चोले में ही तो एस्टेसी मार रहे हैं देश की, बेहू बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। आसाराम ने क्या करा, राम रहीम ने क्या करा, और कितने हैं जो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं? आप देखा कि राम रहीम को पेरोल मिली? हाँ। कितनी बार मिल गई? तो इसे साधु संतों की पार्टी को, ऐसे साधु संत होते हैं गुरु गोविंद सिंह वर्गे, जिन्होंने चार बेटे कुर्बान कर दिए थे देश के ऊपर, साधु संत होते हैं वो जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी करी है। मोदी सरकार का नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, उनका नारा ये भी तो था कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, जुबान फसल, ये भी तो जुबान, उनकी जुबान फसल गई थी, जुबान फसल गई थी उनकी, सचना हो गया है सामने, नहीं जो दिल में था सामने ना आ गया उनके। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जिनसे पंगा ले रहे हैं ना, ये भारतवर्ष के देश बसिंदे हैं। और एक बात याद रखना, इन्होंने दिल्ली 70 बारी फतेह करी है, 70 बारी जीती है, ये दिल्ली का लाल किले का तखत अखोड़ कर ले गए थे, अभी पड़ा, ये हमारी बेटियों का सवाल है, इनकी जड़ें अखोड़ देंगे, ये याद रख लेना। अरे यही तो हम कह रहे हैं कि अपनों के लिए बुलडोजर नहीं है भाई हमारा, हम तो बार बार यही तो आपसे कह रहे हैं भाई, अपनों के लिए बुलडोजर नहीं है, दूसरों के लिए बुलडोजर है, दूसरों के लिए तो एकदम से हो जाता है, अपनों के लिए नहीं है। यदि मुस्लिम होते आरोपी क्या होता फिर? हाँ फिर तो चल जाता बुलडोजर, तो सबको पता है यार, इसमें कोई पूछने वाली बात है? ये तो तुम्हारी जबान से बाद में निकलेगा, सारे कहेंगे हाँ चल जाता अब तो, ये तो सच्चाई है भाई, यही तो नफरत है, इसी को तो हम खत्म करना चाह रहे हैं भाई ना। पहले देखो मेरी बात सुनो, पहले भी अंग्रेज आए उन्होंने डिवाइड रूल चलाया, ठीक है, लेकिन भाई ये देश नहीं बटा और ना ही बटने का। ये अलग बात है कि चंद लोग होते हैं जो यार अपना झोला उठाकर मतलब अपनी राजनीति करते हैं धर्म के नाम पे, मैं तो फिर यही कह रहे हूँ, धर्म सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, इंसानियत है, इंसानियत है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, चाहे आप कोई भी हो। उसने साफ कह तो दिया भाई, अगर योगी जी कहेंगे, मोदी कहेंगे और एक तीसरा वो जो है क्या नाम उसका, नड्डा, तो मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं चूल्हा हिली पड़ी है, कहीं ना कहीं उसके हाथ में कुछ ना कुछ है कि इनकी कुर्सी खींच सकता। लेकिन कानून भी कुछ चीज होती है ना? हाँ कानून कुछ चीज होती है, लेकिन इन्होंने जो करा है ये कानून को तो मान ही नहीं रहे ना, कहीं भी नहीं मानी इन्होंने कानून, जब किसानों का धरना होता तब भी नहीं कानून माना, कानून इनकी रखेल बन चुकी है जैसा, ऐसे समझ लो इन्होंने मतलब अपने उससे बांध रखा, जैसे घाट से बांध लेते हैं वो चीज कर रखी इन्होंने। हमेशा कोई भी जुल्म होगा, कुछ भी होगा, जो इंसानियत को मानता है, जो सच्चा इंसान है, समझ गए? नहीं तो वो किसी धर्म की बात नहीं, धर्म सबसे बड़ी है इंसानियत, ना हिंदू हैं अच्छे ना मुसलमान हैं अच्छे, दिल नेक हैं जिनके वही इंसान हैं अच्छे। ये हिंदुस्तान जो है ना हमारा, ये भारत जो है ये एक गुलदस्ता है, और जिस नाम पे लड़ाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे, जो पागल हैं जिसे अंधभगत का दर्जा दे दो, लेकिन जो लोग समझदार हैं जिन्हें धर्म का पता है वो कभी भी नहीं लड़ेंगे, ना पहले लड़े, लड़ाने की बहुत कोशिश करी है और अब भी वही कोशिश हो रही है, नहीं हो सकती ये कोशिश। 5 जी आप भी दिल्ली पहुंचे हैं बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, 2 हफ्ते हो गए हैं पूरे मामले को, अरेस्टिंग नहीं हुई है ब्रजभूषण शरण की, क्या लगता है आपको? ये बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि अब हाई कोर्ट जाएं आप, आपकी FIR हो गई है, जांच करेगी पुलिस। नहीं तो उसमें क्या है भाई, न्याय लेके ही तो, ऐसे तो देखो पहले भी जब किसानी धरना होया था तो इन्होंने बार बार कभी कुछ कहा था, कभी कुछ कहा था, ठीक है जी, तो उससे मतलब नहीं बनता। आप जब बैठे हैं ना तो तुम्हें ये मालूम होगा कि 13 महीने लगातार किसान बैठे थे, ठीक, और कभी कुछ कहा गया, बाद में क्या कहा गया था, मेरी तपस्या के अंदर कुछ कमी रह गई है, तो वो शब्द फिर भी आने वाले हैं, वो शब्द फिर आएंगे इन खिलाड़ियों के ऊपर भी, जवानों के ऊपर भी, जो है ना ये वो शब्द वापस आने हैं, ये पीछे हटने वाले नहीं है। और तुम इनका इतिहास तो पढ़ के देखो, इन्होंने रोटी की लड़ाई थी सर, अरे ये बेटी की है, रोटी ज्यादा है क्या बेटी ज्यादा है, रोटी मिले ना मिला बेटी की इज्जत तो चाहिए। लेकिन बेटी की इज्जत जात के आधार पर होती है हमारे देश में? नहीं नहीं नहीं, वो कैसे, कभी भी नहीं, ना हो ही ना हो। के लिए कभी आप आ गए? हाँ बिल्कुल आए, कब आया? आप हर धरने के अंदर इस पगड़ी को देखोगे, हर जहाँ भी आवाज उठेगी ना सबसे पहले इस पगड़ी को देखोगे, इंसान को देखोगे। ये मेरा मतलब नहीं कहने का, जिसके अंदर इंसानियत होगी ना वो बंदा हमेशा आएगा। कैसे नहीं आए, कैसे कह रहे हो आप नहीं आए भाई,
कैसे कह सकते हो, जरा देखो आपको उठा के। अरे भाई उन्हें सिर्फ जवान चलाने की जो है ना बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, सिर्फ बोलते बहुत अच्छा है और बोलने के अरे देश कहाँ परिवार छोड़ रखा, उसकी ऐसी मार दी परिवारों की, परिवार वाले खत्म कर दिए उन्होंने तो भाई। जो परिवार वाले थे ना वो ना रहने दिए, वो बात ये थी कि ना घर हमारा बसेगा ना हम किसी का बसन देंगे, ना हमारे बच्चे हैं ना हम किसी के बच्चे को रहने देंगे। बंदर वाली आदत है, बंदर ने कभी घर नहीं बनाया, तुमने सुना ना बंदर जो है हमेशा सोचता मैं घर बनाऊंगा लेकिन उसने कभी घर बनाया नहीं, दूसरे का घर उजाड़ता है, तो ये उस नीति के लोग हैं। अरे गुरुजी नहीं 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 नहीं, एक बात सुनो, दिल्ली के बॉर्डर सील कर रखे हैं, तुम भीड़ कम बता रहे हो, कल 7 तारीख है, कल जो खाप पंचायत वगैरह जो लीडर्स हैं सारे उन्होंने कहा कल वो आएंगे, और आप एक बात तुम अरे अरे गुरुजी दिल्ली से बाहर भी तो अपन ही है, दिल्ली किसकी है आपके नेता, अरे दिल्ली किसकी है, दिल्ली में कौन बैठाता है, दिल्ली में जनता बैठाती है, दिल्ली में केजरीवाल है, अरे केजरीवाल को छोड़ो दिल्ली में जनता बैठाती है, वोट से बैठते हैं ये लोग। आई बात, केंद्र सरकार किसके वोट से बनती है, कोई खाली दिल्ली के वोटों से केंद्र सरकार बन रही है क्या, ये बताओ तुम। अरे अमित शाह की, अमित शाह भी किसने बनाए हैं, अमित शाह जनता ने बनाए, कोई खाली दिल्ली की जनता ने थोड़ी बनाए, जो बाहर लोग बस हैं वो कौन है, आंदोलन में 100 लोग मुश्किल से हैं, 200 लोग ऐसा ऐसा कुछ नहीं, गिनती कम मत ना जानो तुम, ये गिनती कम मत ना जानो, ये गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ेगी बढ़ेगी बहुत बढ़ेगी। और एक बात बताऊं, जैसे किसान आंदोलन का जिक्र ना हर शाम को रोटी खाता होता था ना, हर माँ पूछती थी बेटे से कि बेटे आज आंदोलन में क्या होया, ये आंदोलन भी घर घर के अंदर जड़ कर चुका, माँ रोटी बना तो है पूछ रही है कि बताओ बेटियों के साथ क्या हुआ। अरे गुरुजी दिन कितने हुए हैं, अरे दिन कितने हुए ये तो देखो, दिन तो हो जाएंगे पक्के भी गेल लेंगे भाई, पक्के भी बना लेंगे, किसी को न्याय नहीं मिला अब तक, अभी तक भी। अच्छा एक बात बताओ, आज तक मोदी जी पीछे हटे कभी, किसानों ने हटाए ना तो वही तो हैं सब, वो तो लंगर चल रहे थे सर, हैं लंगर चल रहे थे, लंगर यहाँ लंगर ना चलने के, भाई गुरु का लंगर तो कहीं भी आ जाएगा, जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वाले क्यों नहीं लंगर चलाने के, जब उसे दान देते हैं अपन लोग सब तो क्यों नहीं लंगर चलाएंगे, लंगर आज ही शुरू हो जाएगा क्या परेशानी, लंगर को कोई मना कर रहा, लंगर जब एक बार बताओ जब लंगर विदेशों में जा सकता है, हैं जी, तो यहाँ नहीं हम अपने बच्चों को या अपने भाइयों को खुला सकते, लंगर तो तुम्हारी तुम्हारी लोगों का है ना सबका, तो कैसे नहीं आएगा लंगर, कौन सा भूखा मर रहा, एक से भी कह दो कि भूखा मर रहा, ये 10 कदम पे बंगला साहब है जहाँ 1,000-10,000 आदमी छकिया हो जाएगा लंगर, यार क्या बढ़ रही है सर लोगों की। अरे गुरु जी ये तुम्हारा भुलेखा है, संख्या बढ़ने की बात करो, तुम गाँव में जाकर देखो तो सही, लोग शाम के टाइम 50-50 लोग एक एक साथ बैठ रहे हैं, मीडिया में खबर आ रही है कि जाट वर्सेस राजपूत हो गया है मामला, गुरुजी वो तो मोदी मीडिया है और गोदी मीडिया है, उसकी क्या बात कर रहे हो यार, ये बताओ तुम, अरे उसकी मीडिया वो मीडिया है यार, वो तो रखेल है यार, तुम मीडिया बता रहे हो उसे, अगर मैं वही मीडिया जा चुकी है, अरे उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ नहीं होने वाला, इतने 100 साल के राज को ये लोग खत्म कर सकते हैं, ये अंग्रेजों को भजा सकते हैं भाई, वो लोग हैं तो ये चीज क्या है यार, ये तो बताओ, इन्हें तो इतना मतलब मार पड़ेगी, तुम याद रखना चंद कदम की दूरी पे ब्रिजभूषण का यहाँ ऑफिस है, हाँ भी लोग इकट्ठे रहते हैं हमेशा, हाँ तो कोई बात नहीं उसमें क्या, अभी तो हम अपनी मांग मांग रहे, देखो एक बात सुनो, अभी हम तरीके से अपनी मांग मांग रहे हैं, पहले भी मांगी थी, इन्होंने तो ये भी कहा था कि 26 तारीख के अंदर 26 जनवरी को दिल्ली किसान नहीं बढ़ सकते, दिल्ली में बढ़े थे कि ना बढ़े थे, अरे यार उठा के देख लो इतिहास, तो वेट कर लो। लेकिन बीजेपी की सबसे ज्यादा सांसद है महिला और विधायक पूरे देश में, एक ने भी समर्थन नहीं किया खिलाड़ियों का, बस इसी बात का तो बहुत बड़ा दुख है भाई, दुख तो इसी बात का है कि अपने ही तो खा रहे हैं भाई, जिन्हें अपने हाथों से बनाया था वही आज अपने घर को ढा रहे हैं भाई, यही तो समस्या हो रही है भाई, और बात समस्या काहे की है, इसी बात का तो रोना है कि जिन्हें अपने हाथ से बनाया था वही नहीं बोल रहे, पर बोलेंगे कोई बात नहीं, खिलाड़ियों ने कह दिया कि हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, हैं जी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ियों को, कौन क्या बोल चुके हैं, हाँ तो क्या परेशानी है, जो जुल्मी है जो जुल्म कर रहा है किसी पार्टी के हैं, नहीं पार्टी के हैं, जो जुल्मी है वो किसी भी पार्टी में हो सकता, ठीक है ना, हो सकता मेरा सगा भाई भी हो सकता मेरा बेटा भी हो सकता है, तो वो जो जुल्मी है उसको जुल्म की सजा मिलनी चाहिए, कानून सबके लिए एक होना चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं, लेकिन लोग कुछ चक्कर में पड़ जाते हैं इनके, पढ़न दो कोई बात नहीं, वापस आएंगे, भूला होया ना, और जो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं वो तो बन जाएगा, वो होने दो, देखो मैं वही तो बता रहा हूँ भाई, वो तो कराते हैं, अब जाटों को
वो राजपूतों से लड़ाई देंगे, है जी बिरादरियों में बांट देंगे, मजहब में बांट देंगे, ये तो आपको पता ही है जी, कुछ लोग तो होते ही हैं, लेकिन ये बताओ ना कि भाई ऐसा होने का नहीं है, कतई नहीं होने का, ये देश सबका है, वो फांसी वासी पर ना चढ़ने का हम अपने आप ही ले लेंगे। हाँ ऐसे ना जाने के, हमारी हम भी तो इंसान है ना, अपनी भी तो कोई मांग है, हमारी वोट लेके तुम बैठे हो, याद रखना, तुम हमारी वोट लेके बैठे हो, तो अगर जिससे वोट लेके बैठे हो वो बंदा बड़ा होता, हमें चुनाव ना हो कि हम बात ना कर रहे, वोट हो जाएगा ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं होने का, नहीं 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 मेरी, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा, अब कर्नाटक की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हमारी धी बच्चियों की, तो बेटी इनकी पूरे देश की है ना, हाँ पूरे देश की, तो चुनाव भी देश में हो रहा है, नहीं 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 अब इसे चुनाव से ना जोड़ो, नहीं नहीं मैं इस बात को नहीं कह रहा, वो क्या होएगा क्या नहीं होएगा मैं नहीं इस बात को कह रहा, लेकिन हमें न्याय चाहिए। आप बताओ आपकी बहन, चलो ये मान लो कि दूसरों की है, मैं एक बात कह रही हूँ, आपकी सगी बहन हो या मेरी सगी बहन हो या किसी की भी सगी बहन हो, उसके ऊपर ये चीज हो या बेटी के ऊपर, वो घर में बैठ जाएगा, वो जो घर में बैठेगा ना, तो मैं कहता हूँ उसे कायर, कायर बिल्कुल, समझ गए बात को, तो वो कायर है जो बैठ जाएगा घर में। अरे भाई हमारा तो ये देश भैया सबका है, और भाई इसके हम तराने गाते रहे कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, और तुम्हें मालूम होगा कि भी इसमें सभी का भाई सभी का खून है, यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है भाई, ये सभी का है भाई, और सब इंसानियत से रहना, इनके लड़ाने से कुछ ना होने का, कितने दिन लड़ा लेंगे, कितने दिन लड़ा लेंगे, तुम इस बात को बेफिक्र रहो, सूरज जब निकलता है ना तो इस सब अंधेरे को दूर कर देता, ये जो नौजवान है ना सबको समझ आ रही है ऐसी बात ना, तुम एक पक्ष ना देखो, 50 साल राज करेगी बीजेपी, वो यार एक बार बताओ, तुम बताओ कोई गारंटी लिख के दे दे कि मैं 50 साल वाला कल तक जीऊंगा, क्या पता कल कोई दम निकल जावे, सांस निकल जावे, ये तो ये मूर्खों वाली बातें होती है, ये वो बंदा अब मैं हूँ यहाँ, हो सकता है मेरा जाता जाता एक्सीडेंट हो जाए, मैं मर जाऊँ क्या पता, तुम मर जाओ कोई और मर जाए, मौत है ना, हो सकता है ना, तो भाई ये जो बंदे कह रहे हैं झूठ ना बोल रहे, ये झूठ बोल रहे हैं ना, आंदोलन जब तक नहीं खत्म होने का, जब तक हमें न्याय नहीं मिलने का, जब तक लाखों के पीछे नहीं, नहीं मांगे बदलेंगे आप, अरे ऐसा कुछ नहीं मांगे, कभी नहीं बदली ना बदली, अच्छा अच्छा नहीं बात है, तंबू बढ़ेंगे, अरे तुम देखते, अरे तुम देखियो यहाँ ही मत रहो, तुम गांव में भी जाओ, तुम गांव के अंदर भी गाड़ियां लेके अपनी कैमरे लेके पहुंचो, अरे गांव के अंदर देखियो कैसी आग बली पड़ी है, ये देश गांव से चलता, ये किसान से जवान से चलता, ये घर बेटियों से चलता, माँ बहनों से चलता, लेकिन ज्यादातर जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी वो हरियाणा के हैं, यूपी के, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी सोच है, यूपी के हैं, मैं यूपी से हूँ, मैं मुरादाबाद से हूँ, अमरोहा से हूँ मैं, क्या बात कर रहा हूँ यार, ये इनके मारियो कैमरा, ये कौन है, इधर आइयो भाई, इधर आओ एक मिनट, ये हमारे ये इन्हें क्या कहोगे, ये हमारे भाई है, कौन साहब आप कहाँ से बताइयो, अब तुम इन्हें भी कहोगे की ये भी कोई बिहार से, क्या बात कर रहा हूँ यार, न्याय मिलेगा, मैं न्याय प्रक्रिया न्याय दिलाने वाले जज जज दिला देंगे, जनता तो इनके, आपकी बात का सवाल का जवाब है कि आप कह रहे हो कि ये तो हरियाणा, तुम यार सवाल ही ऐसे करो भाई, तुम देखो तो सही, ये कहां से है वो कहां से, अरे भाई सब देश के हैं, जिसके अंदर इंसानियत है, जो इंसान है ना, और इसे पता लग गया कि देखो मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी धी आपकी बच्ची कोई भी हो, अगर रोड पर चलता हो भी किसी के साथ कुछ हो रहा है, तो इंसान वो है कि वहीं लड़ पड़ेगा, तो ये इंसान वो हैं जो भाई साहब घरों से निकल चुके हैं।